हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास है प्रिंटर कैनन का G3060 मॉडल नंबर। आप यहाँ देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये देखिए, ऑन कर दिया है मैंने। स्क्रीन देखिए आप, इसमें एरर कोड आ रहा है 5100, ठीक है। तो इसमें एरर ये आ क्यों रहा है उसकी वजह भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये अगर मैं इसे उठाता हूँ, ये देखिए इसकी बेल्ट जो है वो टूट गई है। तो आज हम देखेंगे कि इसकी बेल्ट कैसे चेंज होगी। मेरे पास एक न्यू बेल्ट है ये, जो कि एकदम फ्रेश है, और मैं इसे यहाँ लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो एक बार इसे खोलेंगे फिर देखेंगे कैसे चेंज होनी है। तो गैज़, ये इसमें एक लॉक दिया हुआ है यहाँ पे, इसे सबसे पहले हमें लॉक कर लेना है। उससे क्या होगा, अगर मैं इसके हेड को खोलता हूँ तो ये जो पाइप में इंक है ये वापस नहीं जाएगी। अगर मैं इसे अनलॉक करके खोल दूँगा इसे, तो क्या होगा कि ये इंक वापस टैंक में चली जाएगी, जिसकी वजह से फिर हमें इंक बाद में दोबारा से चढ़ानी पड़ेगी। तो ये मुझे ये बदलनी है बेल्ट। तो उसके लिए यहाँ पे इसमें तीन स्क्रूज़ दिए हुए हैं, एक ये लगा है और एक ये है ये वाला, और एक ऐसे ही यहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे, ये आपको दिखाई दे रहा हो, तो ये तीन स्क्रू खोलने हैं, प्लस इसकी डिकॉर्डर को निकालना होगा। ये जो डिकॉर्डर है ये वाली, इसे निकालना पड़ेगा हमें। तो इसे निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसे हल्का सा ऐसे स्लाइड करना है अंदर की तरफ। ये निकल गई, ठीक है। अब मैं इसे खोल लेता हूँ एक बार, स्क्रूज खोल लेता हूँ, बाकी चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ। तो गाइज़, आप देख सकते हैं मैंने एक ये स्क्रू यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ये तीन स्क्रूज खोले हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, स्कैरिज को बीच में रखना है और ये यहाँ से मैं इसे निकाल सकता हूँ। ये देखिए ये निकल गई ना, बस अब मुझे इसे बाहर निकालना है और बेल्ट फिर मैं निकाल पाऊँगा। लेकिन मुझे उसके लिए अब हमें क्या करना होगा कि हमें एक साइड का कम से कम ढक्कन एक साइड का कम से कम खोलना होगा, जिसके बाद हम इसकी ट्रे को जो है एक तरफ निकाल पाएंगे। और जब ट्रे निकल जाएगी तो हमारी कैरिज हमारे हाथ में आ जाएगी। तो इसके लिए मैं इसकी ट्रे खोल रहा हूँ पीछे से पहले। खोलना पड़ेगा, मेंटेनेंस बॉक्स खोल लिया। मेंटेनेंस बॉक्स की ट्रे है ये, मतलब एक स्क्रू और है इसमें यहाँ पे, इसे भी खोल लेंगे। यहाँ पर ट्रे निकल गई है पीछे की। अब हमें इसका साइड वाला कवर खोलना है, तो उसके लिए इसमें यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ है। इस लॉक को ऐसे नीचे को प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। एक लॉक ये है, दोनों लॉक को प्रेस करने के बाद हम इसे निकाल पाएंगे। प्रेस करेंगे तो एक कवर इधर से बाहर आ गया, ये वाला लॉक फिर से लग गया है। तो इसे फिर से खोलेंगे एक बार यहाँ से, ये ठीक है टाइट। इसके नीचे भी एक लॉक है यहाँ पे, ये निकल गया, ठीक है। दो लॉक थे, एक ये था एक ये था एक ये था एक था, दो नीचे दो ऊपर। तो ये हमारी दोनों ट्रे निकल चुकी है। अब हमें तो कैरेज निकालनी है, तो कैरेज निकालने के लिए ये वाली रॉड जो है, ये जो आप यहाँ देख पा रहे हो, अगर
यहाँ पे देखिए ये इस कैरेज में फंसी हुई है जो हमने खोली थी, इसे मैं यहाँ से निकाल लूँगा साइड से और ऐसे खींच लूँगा। इसमें इधर भी लॉक है, ऐसे नहीं खुल पा रही है, तो हम इसे इधर को निकाल लेते हैं। इस तरफ लॉक नहीं है, ये निकल गई। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ बेल्ट लगानी है, तो बेल्ट मेरी कहाँ गई, ये मेरी नई वाली बेल्ट है। ठीक है, इसे यहाँ पर डालना है मुझे इस जगह पे। ये अच्छी तरह बैठ जानी चाहिए। ठीक है, देखिए अभी इसे मैं खींच रहा हूँ, ये तो ये लग चुकी है। अब हमने इस रॉड को जैसे निकाला था वैसे ही इसे वापस लगाना है, तो इसका ये वाला हिस्सा पहले लगाना है, क्योंकि इस तरफ आप देख सकते हैं इसमें लॉक है, जिसकी वजह से कैरिज उधर की तरफ नहीं जा रही है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे लगेगी। तो ये मेरा प्रिंटर है। ठीक है, यहाँ पे इसमें होल दे दिया हुआ है, यहाँ से हम डालेंगे ऐसे ऐसे और ये इस तरफ से निकल आएगी ये। ठीक है, तो इसका ढक्कन खोलने से बस ये हुआ कि हम इसकी रॉड को बाहर निकाल पाए। तो अभी हम इसकी कैरेट को कसेंगे वापस जैसे ये लगी हुई थी। पहले बेल्ट को साइड कर लें, वरना फिर ये कहीं फंस जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसे मैं इधर की तरफ डाल लेता हूँ। जिस वजह से ये नहीं बैठ रही है, ये लॉक है यहाँ पे एक, ये पहले इसके अंदर जाएगा ऐसे, फिर ये ट्रे बैठेगी। ठीक है दोस्तों, ये बैठ गई, देखो अब ये ट्रे परफेक्ट बैठ गई है, ये मेरी कैरेज मूव कर रही है। ठीक है, तो अब मुझे बेल्ट पहले तो स्क्रू लगा लेता हूँ एक आध, उसके बाद फिर हम बेल्ट चढ़ाएंगे। मैग्नेट की ज़रूरत है इसमें, तो मैं इस स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से लगाता हूँ। एक स्क्रू लगा दिया है मैंने, दूसरा कहाँ लगे भाई, ये दूसरा स्क्रू है, इसे यहाँ लगाना है। ठीक है, तीसरा स्क्रू, ये तीनों स्क्रूज मेरे लग चुके हैं और मेरी कैरेज देखिए आप मूव कर रही है प्रॉपर। ठीक है, अब हमें बेल्ट लगानी है, तो बेल्ट लगाने के लिए मुझे दोनों तरफ से बेल्ट को पकड़ना होगा ताकि बेल्ट में बीच में क्रॉस ना बने देखने के लिए। मेरी मोटर में डल चुकी है बेल्ट, और मैं आपको यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ अगर देख पाएंगे आप तो। ये देखिए, ये मेरी पुली लगी हुई है यहाँ पे, ये अंदर की तरफ यहाँ पे, तो थोड़ा सा कैमरे को ऊपर कर लेता हूँ। ये ठीक है गाइस, तो अब हमें एक तरफ से हमारी बेल्ट भी लग चुकी है, दूसरी तरफ मुझे यहाँ फंसानी है, तो उसके लिए बेल्ट को मैं पकड़ता हूँ यहाँ पे। देखिए गाइस, यहाँ पे ना इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें यहाँ पे ये पुली दी हुई है, ये वाइट कलर का जो दिख रहा है इसके पीछे है,
इसे अगर मैं ऐसे प्रेस करूँगा तो ये ढीली हो जाएगी, मतलब मैं बेल्ट आसानी से चढ़ा पाऊँगा। तो इसे प्रेस करना है, तो ये हमारी इस पे चढ़ चुकी है बेल्ट, और आप देख सकते हैं ये कैरिज प्रॉपर मूव कर रही है, ठीक है, कहीं फंस तो नहीं रही, कहीं फंस तो नहीं रही है, एक बार चेक कर लेंगे, पूरी तरीके से ठीक चल रही है, ठीक है। अब हमें इसमें एनकोडर डालनी है, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, उसी से प्रिंटर की टाइमिंग सेट होती है कि हेड को कितनी देर में किस तरफ मूव करना है, लेफ्ट और राइट। तो बस इसे लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपके हाथ बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसे कि ये गंदी ना हो। तो इसे मैं एक बार साफ़ कर रहा हूँ, और पहले एक लॉक है इसका यहाँ पर अंदर की तरफ, यहाँ पे मैं आपको कैसे दिखाऊँ वो सोच रहा हूँ। ये देखिए, ये जो पत्ती जैसी दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, ये इसमें फंसेगा स्प्रिंग, और दूसरी साइड फंसेगी वो यहाँ फंसेगी जहाँ से हमने अभी बेल्ट डाली, यहाँ पे, ठीक है, ये इस लॉक में। तो मैं पहले उस तरफ डाल लेता हूँ, फिर इधर डालेंगे। ये कैरेज के बीच से मूव निकलती है, ये पुरानी कैरेज है मेरे पास, इसमें यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ से निकलेगी। तो ये देखिए, इसमें यहाँ पे एक होल दिख रहा होगा आपको, ये इसके बीच में से निकलेगी ये ऐसे, सॉरी गलती कर डल गई, ये यहाँ से ऐसे निकलेगी, ठीक है। तो वही चीज़ मुझे करनी है, मेरी स्प्रिंग मैंने निकाल ली थी क्योंकि उधर, अब हम इसे इस तरफ इस लॉक में फंसा देंगे, ये फंस गई, ये मेरा प्रिंटर जो है ओके हो गया इस तरीके से। तो एक बार पावर केबल लगा के इसे चेक कर लेते हैं, फिर फाइनली पैक करेंगे। इस लॉक को अनलॉक करना ज़रूरी होता है, वरना इसमें एरर आती है। इस पावर केबल को यहाँ लगाएंगे, ये लगाया मैंने पावर केबल, और ये मेरा प्रिंटर ऑन होगा। ठीक है, आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी प्रिंटर की। दोबारा से ऑन किया, ये देखिए प्रिंटर ऑन हो गया है, यहाँ पर लाइट आपको ग्लो करती हुई दिखाई दे रही होगी। मेंटेनेंस पे जाएंगे,
सेटिंग्स पे जाएंगे, सेटअप मोड, सेटअप मेनू, मेंटेनेंस, ओके, नोजल चेक, ओके। देखिए मेरा प्रिंट आउट एकदम ओके आ गया है और बिल्कुल ओके चल रहा है प्रिंटर। तो बस इसके सॉरी आपको ना लाइट की वजह से ये दिखाई नहीं दे रहा, मैं थोड़ा इधर करके दिखाता हूँ, कैसे दिखाऊँ, एक बार क्या लाइट ऑफ करूँ, एक बार मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए प्रिंट आउट एकदम ओके, ठीक है। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताएं, मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।